नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ग्वालियर की। आज से सीएम शिवराज जनदर्शन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे अचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अचलेश्वर महादेव मंदिर से फूलबाग तक रोड शो होगा। दोपहर 1:30 बजे लाडली बहना सम्मेलन में सीएम पहुंचेंगे। फूलबाग मैदान पर राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। लाडली बहना के खाते में 1,31,00,000 रुपए भरेंगे। 380 करोड़ निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत सीएम करने जा रहे हैं, साथ ही साथ कई कार्यक्रम उनके आज होने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज से सीएम शिवराज जन दर्शन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे अचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा भी करेंगे। बता दें, अचलेश्वर महादेव मंदिर से फूलबाग तक रोड शो सीएम का होगा। साथ ही साथ भी बताएं आपको, दोपहर 1:30 बजे लाडली बहना सम्मेलन में सीएम पहुंचेंगे। फूलबाग मैदान पर राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। आज से सीएम शिवराज जनदर्शन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे अचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बता दें, अचलेश्वर महादेव मंदिर से फूलबाग तक रोड शो होने जा रहा है। खरगोन की बात करेंगे। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान सामने आया है। उज्ज्वला योजना के तहत बहनों को 450 रुपए में मिलेगा रसोई गैस। जन आशीर्वाद यात्रा की सभा में सीएम ने यह ऐलान किया है। लाडली बहनों का योजना के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। केवल सावन के महीने में नहीं, हमेशा 450 में ही गैस गुंडा गरीब बहनों। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। उज्जैन में जयवंत सिंह पवैया कमान संभालेंगे। सिंगरौली में यूपी के डिप्टी सीएम शामिल होंगे। लखनऊ में वीडी शर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंदौर संभाग की यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय शिरकत करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है, आज लाडली बहनों को सौगात मिलेगी। सीएम शिवराज लाडली बहनों को तोहफा देंगे। योजना की चौथी किस्त सीएम जारी करेंगे। सीएम लाडली बहनों को संबोधित भी करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, साथ ही साथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे, रोड शो भी रहेगा, कितना खास रहेगा, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, कौन कौन मौजूद रहेगा, जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर में एक तरह से बड़ा कार्यक्रम है और 11:30 बजे सीएम ग्वालियर पहुंचेंगे। सीधे एयरपोर्ट से अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे, जहां सीएम अचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यहां से अपने जनदर्शन यात्रा के तहत रवाना होंगे और उनका जो जनदर्शन रोड शो होगा वो अचलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर जयेंद्रगंज चौराहे से होकर फूलबाग पहुंचेगा।
और इसके बाद फूलबाग मैदान पर ही एक राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा जिसमें लाडली बहनों के खाते में आज रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लगभग 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ से ज़्यादा जो लाडली बहनें हैं उनके खाते में 1300 करोड़ के लगभग की राशि एक सिंगल क्लिक पर मैदान पर आयोजित सम्मेलन में की जाएगी। इसके अलावा यहाँ 380 करोड़ रुपए की जो योजना है उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स में सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक बैठक है, उसके बाद वो यहाँ से राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के गांव दंगियापुरा रवाना होंगे हेलीकॉप्टर से, जहां वो उनकी माता श्री की देहांत के सिलसिले में वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज जो सीएम का ग्वालियर में एक बड़ा कार्यक्रम है वो बड़ा कार्यक्रम चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी लगातार सौगातें दे रही है और आज राज्य स्तरीय जो महिला सम्मेलन है जिसमें लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक पर राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, साथ ही जो बड़ी योजनाएं ग्वालियर की करीब 380 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उनका लोकार्पण कुछ योजनाओं का, इसके अलावा शिलान्यास भी किए जाएंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है सीएम का और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश के बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मध्य प्रदेश के कई मंत्री और ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो सीएम के कार्यक्रम के लिहाज से आज ग्वालियर के लिए एक बड़ा दिन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। G20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज फॉरेन डेलीगेट्स मोटर कैच से राजघाट पहुंचेंगे और लीडर्स लाउंज में बनाई गई शांति की दीवार पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद दुनिया भर के नेता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चढ़ाएंगे। यहां महात्मा गांधी के पसंदीदा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद लीडर्स भारत मंडपम के लीडर्स लाउंज जाएंगे। शीर्ष नेता और विदेशी डेलीगेट्स भारत मंडपम पहुंचेंगे और भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन का तीसरा सत्र वन फ्यूचर है। इसके बाद न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन अमल में लाया जाएगा। और दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं ऋषि सुनक, पत्नी अक्षता के साथ पहुंचे हैं अक्षरधाम। अक्षरधाम में सख्त सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं ऋषि सुनक, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम पहुंचे हैं और कड़ी व्यवस्था जो है की गई है, सख्त सुरक्षा अक्षरधाम में की गई है। बड़ी खबर की बात करते हैं। इस वक्त एशिया कप में आज महामुकाबला होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। प्रेमदासा स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। बारिश की वजह से पहला मैच रद्द हुआ था। एशिया कप का आज महामुकाबला होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। बता दें आपको कि प्रेमदासा स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और बारिश की वजह से पहला मैच रद्द हुआ था जो अब आज होने जा रहा है। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल रन होने जा रहा है। एमडी मनीष सिंह की मौजूदगी में सेफ्टी ट्रायल रन है। सीएम शिवराज की मौजूदगी में ट्रायल रन होगा। 14 सितंबर को यह ट्रायल रन होने जा रहा है। तो मेट्रो का ट्रायल रन होगा, अब सीएम शिवराज की मौजूदगी में यह ट्रायल रन होगा। बता दें 14 सितंबर को ट्रायल रन हो सकेगा। ओंकारेश्वर में आकार ले रहे एकात्म धाम का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई जायजा लिया। यहां तैयार हो रही आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा को नमन किया। बता दें कि 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में एकात्म धाम अनावरण कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। पीएम के आने का कार्यक्रम है तो वहीं देश भर के संत भी यहां जुटेंगे। ओंकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा तैयार हो रही है। 11 साल के आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का काम अंतिम चरण में है। प्रतिमा का अनावरण और साथ ही यहां
अद्वैत लोक का शिलान्यास भी होना है। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर भी प्रशासन और पुलिस की तैयारियां जारी हैं। रतलाम में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आम सभा में भाजपा विधायक और फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और पंडित नेहरू को भारत माता का हत्यारा बताया और उन्हें देश के विभाजन के लिए कांग्रेस और नेहरू को जिम्मेदार बताया और उन्हें जिन्ना को पालने वाला करार दिया। तो मोदी का साथ दोगे कि नहीं? अरे राहुल गांधी तू सुन ले, तेरी माँ सोनिया गांधी सुन ले, तेरी बहन प्रियंका बलड़ा सुन ले, तेरे जीजा ईसाई सुन ले, कान खोल कर सुन ले हमारी बात, कान खोल कर सुन ले। मोदी माँ का हत्यारा नहीं है, भारत माता का कोई असली हत्यारा है तो कांग्रेस और पंडित नेहरू है। उसने देश विभाजन किया है, उसने देश विभाजन किया है। अरे जिन्ना को पालने वाले कौन? सागर जिले के रैली में किशनगढ़ जलाशय परियोजना का भूमि पूजन करने पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और उनकी पार्टी को रावण का वंशज और कुकर्मी कहा है। उन्होंने कहा कि कई साल पहले इन्हीं लोगों ने राम जानकी के रथ पर जूतों की माला पहनाई थी। ये लोग अपने आप को रावण के वंश कहते हैं, अपने आप को ये लोग कुकर्मी कहते हैं। इन लोगों ने जूतों की माला पहनाई, ये स्थिति उस समय की थी। आप इतिहास उठा के देख रहे, ये तो आजकल मैं देख रहा हूँ ना, कहीं टीवी पे आ रहा है, ना किसी मोबाइल पे दिख रहा है, ना किसी अखबार में दिख रहा है कि 50 साल पहले भी इनका आचरण कैसा था। ये अपने आप के लिए उन्हें ये कहते हैं, कहीं कहीं जैसे मैंने सुना है कि हम राम वंश राम जी के वंश के नहीं हैं, हम लोग रावण के वंश, ये बात कहते हैं हम लोग। तो ऐसे लोगों के, ऐसे कुकर्मी लोगों के लिए क्या कहना है? इतिहास फिर से दोहरा रहा है अपने आप के लिए। मुझे लग रहा है कि जो 50 वर्ष पहले श्री सेलम से, या सेलम से जहाँ तक स्मरण है वही शहर था जहाँ से घटना हुई थी, और बहुत देश में इसका बावेला मचा था, और उसके बाद में इस प्रकार की घटना अब बयानों के माध्यम से हो रही है। बुरहानपुर में भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा में नेताओं संग नाच रहे सरकारी कर्मचारी और विधायक के पति राजेश कासडेकर ने अपने नाचने के मामले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोक नृत्य हमारी संस्कृति है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ नाचूं। मैं छुट्टी लेकर लोक नृत्य में शामिल हुआ था। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी राजेश कासडेकर नेपानगर की विधायक सुमित्रा कासडेकर के पति हैं, जो पशुपालन विभाग में तैनात हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हो रहे लोक नृत्य में उनके नाचने का वीडियो वायरल हुआ था। भारतीय संस्कृति जो हमारी आदिवासी कोरकू समाज के नृत्य, तो उसमें मेरा फर्ज बनता है उनके साथ नाचना। आज आपका छुट्टी लेके हैं, क्या काम आपका सरकारी कार्यक्रम में, कैसे शामिल हो रहे हो? छुट्टी पे हूं अभी। श्योपुर में कांग्रेस ने निर्माण के तुरंत बाद उखड़ रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 50% कमीशन लेकर घटिया स्तर का निर्माण किया गया। मामला जिला मुख्यालय से सटे हुए सालपुरा गांव से डोडर कस्बे को नहर कैनाल वाली प्रधानमंत्री सड़क का है, जिसका निर्माण कुछ महीने पहले ही हुआ था और अब ये सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। 50% कमीशन का खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह की कमीशन खोरी नहीं चलेगी, है जनता की ये ललकार। रतलाम में पुलिस ने 13 किलो गोल्ड के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सोने की तस्करी की आशंका है। जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक है। कुछ सोने के बिल भी मिले हैं, जबकि कुछ के बिल नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस ने मामला जीएसटी को सौंपा है। ये सोना मुंबई से ट्रेन से रतलाम लाया गया, जो कि 80 से ज्यादा बॉक्सों में पैक था। मैं
स्टेशन रोड की टीम को बुलाया, अपने हमराही शुभम बुंदेला को बुलाया, अपने हमराही शकील जी को बुलाया और इन टीम के साथ और इन दोनों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को थाना क्षेत्र पर लेके आया हूँ। थाने में लाया और देखा तो पाया कि 100 से ज़्यादा लगभग पार्सल हैं अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे और लगभग लगभग 13 किलो सोना मिला है और इसकी सूचना जीएसटी विभाग को दे दी गई है और वो जल्दी से इसका आकलन करके आगे की कार्रवाई की जाए। खंडवा में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद छनेरा नया हरसूद के सीएमओ मिलन पटेल सहित दो कर्मचारियों को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। हरसूद में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले फरियादी राहुल बुरासी ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी कि उसके काम के भुगतान के बदले 2.5% रिश्वत मांगी जा रही है। इसी आधार पर इंदौर से आई लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया और ये कार्रवाई की। कंस्ट्रक्शन का प्रोपाइटर हूँ, नगर परिषद में सिविल के काम करता हूँ, तो शासन द्वारा मुझे निर्माणाकार प्राप्त होते हैं जिसमें मैं नगर में आरसीसी रोड आरसीसी नाली टीन शेड के निर्माण कार्य करता हूँ, जिसमें मेरे अभी कुछ निर्माण कार्य हैं जैसे कि अपने सरस्वती कुंड में पेरू ब्लॉक का काम किया था मैंने, वार्ड क्रमांक 6 में इमाम बाड़ा टीन शेड का कार्य किया था। मेरे सारे काम गुणवत्तापूर्ण थे, इंजीनियर द्वारा वेरीफाइड थे और चेक करे हुए थे, सारे काम अच्छे थे। उसके बावजूद नगर परिषद से सहायक ग्रेड 3 अमित नामदेव और सीएमओ मिलन पटेल द्वारा मेरे से रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत ना दिए जाने पर मेरा फाइनल बिल जो इंदौर सेंक्शन होने जाना था वो फाइल उन्होंने एक महीने से रोक के रखे थे और वो फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे थे। उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से मुझे बैठा कर बोला था कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। तो मेरे द्वारा अभी कुछ समय पहले हताश होकर लोकायुक्त का सहारा लेना पड़ा और लोकायुक्त का सहारा लेके फिर उनसे मैं दोबारा उनसे बात करने के, तो उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि आपके 10,000 रुपये परसेंटेज का जो बन रहा था उतना 5,000 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम आगे बढ़ा दूंगा और फाइनल खत्म होने के बाद मुझे आप 5,000 रुपये और देंगे। शिकायत का पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सत्यापन कराया गया था जिसमें 10,000 रुपये की रिश्वत मांगा जाना इस तरह से कि 5,000 रुपये की राशि ये पहले बिल पास होने के पहले अपने बाबू को जो सीएमओ का बाबू है अमित नामदेव उसको देंगे और शेष राशि बिल पास होते ही जो है भुगतान करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी भोपाल इंदौर छिंदवाड़ा नर्मदापुरम सागर और रायसेन समेत 21 जिलों में बारिश हुई है। आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है दतिया मुरैना भिंड टीकमगढ़ छतरपुर और निवाड़ी जिलों में, मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट पूरे प्रदेश में। बता दें आपको गरज चमक के साथ और वज्रपात की संभावनाएं हैं, अलर्ट जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट भोपाल नर्मदापुरम चंबल ग्वालियर उज्जैन इंदौर रीवा जबलपुर सागर और शहडोल संभागों के जिलों में बारिश की संभावना है। शनिवार को भोपाल में 1.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है और झमाझम बारिश प्रदेश के कई जिलों में। निश्चित तौर पर देखिए, लगभग पूरा अगस्त का महीना मध्य प्रदेश में सूखा गुजरा, लेकिन उसके बाद अच्छी बात और राहत की बात यह है कि सितंबर में बीते 2-3 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें या फिर ग्वालियर चंबल संभाग, इंदौर महाकौशल विंध्य का क्षेत्र हो या फिर निमाड़ का क्षेत्र हो, सभी जगह अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। भोपाल में बीते दिन 1.5 इंच से ज्यादा बारिश एक ही दिन में दर्ज हुई और इसके चलते कहीं ना कहीं जो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी, क्योंकि खेतों में फसल सूखने लगी थी, खेत सूखने लगे थे, जिसके चलते एक बड़े नुकसान की आशंका जो है वो व्यक्त की जा रही थी, तो उन किसानों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली होगी और अब ये भी उम्मीद है कि जो फसल पहले जो बर्बाद होने की स्थिति में आ गई थी, अब वो कुछ फसल को जो है बचाया जा सकेगा। अब भी पूरी जो बारिश है, जो जितना कोटा होता है सामान्य बारिश का, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अभी उम्मीद भी है और दुआएं प्रार्थनाएं भी लगातार हैं कि और अच्छी बारिश आने वाले समय में देखने को मिले, ताकि जो सामान्य बारिश का कोटा है कम से कम वो पूरा हो जाए, ताकि मध्य प्रदेश के जो जलाशय हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी आ जाए, बांधों में पर्याप्त मात्रा में पानी आ जाए, जो आने वाले समय में यानी कि मानसून के सीजन के बाद गर्मी और ठंड के दिनों में
पानी की जो आपूर्ति है वो पर्याप्त रूप से इन बांधों से हो सके, क्योंकि जो सिंचाई के लिए इरिगेशन के लिए पानी लगता है वो कैनाल्स के थ्रू बांधों से और जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं नदियां हैं उनसे खेतों तक पहुंचाने का काम किया जाता है, और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि इन वाटर बॉडीज में पर्याप्त संख्या में पानी होना चाहिए, और जिसके लिए अभी और भी ज़्यादा बारिश की दरकार जो है वो समझ में आ रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर और जो मध्य प्रदेश में ऐसे सिस्टम लगातार सक्रिय हो रहे हैं जिनसे बारिश कहीं ना कहीं हो सकती है, तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों तक बारिश का मौसम होता है, क्योंकि अब लगभग मॉनसून की विदाई का जो समय है वो आ चुका है और कितनी ज्यादा। शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। अतिथि शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, मानदेय हुआ दोगुना, शिवराज कैबिनेट की मुहर। शिवराज कैबिनेट बैठक में बाबा महाकाल को सीएम सहित मंत्रियों ने दिया धन्यवाद, अच्छी बारिश के लिए बाबा पर जताया विश्वास। खरगोन में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, सीएम शिवराज के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। खरगोन के बड़वा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, कैलाश विजयवर्गीय रोड शो में हुए शामिल, जगह जगह हुआ स्वागत। रतलाम में कांग्रेस पर बरसे रामेश्वर शर्मा, कांग्रेस और नेहरू को बताया भारत माता का हत्यारा। सागर मंत्री भार्गव का स्टालिन पर बड़ा हमला, डीएमके को बताया रावण का वंशज, किशनगढ़ जलाशय परियोजना का भी भूमि पूजन किया। मिर्ची बाबा ने पीसीसी के बाहर सड़क पर बैठकर कराया मुंडन, रेप के आरोप में एक साल से जेल में थे बंद, हाल ही में कोर्ट ने बाइज्जत किया है बरी। इंदौर में वरिष्ठ भाजपा नेता ललित पोरवाल थामेंगे कांग्रेस का हाथ, पोरवाल का बयान बीजेपी में चल रहा है भ्रष्टाचार। इंदौर में मोबाइल टॉवर पर चढ़ा युवक, पारिवारिक विवाद को लेकर उठाया कदम, घंटों पुलिस रही परेशान। इंदौर में किसानों का हल्ला बोल, कलेक्टर ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 लागू करने की मांग। कैंडिडेट लिस्ट पर बोली छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रत्याशियों की सूची जारी होने में लगेगा अभी वक्त। और इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना है।